मैं तो पहले तो ना जो भी शूट पर जाती सी मैं पहले पाठ करके जाती सी सवेरे वाहगुरू जी इदा करती रहती सी बिकॉज जो मैं मेरे कैरेक्टर बारे दसया गया तो मैं सर ने कहा कि पुआधी बोलनी है ना तो मैं लग्या ओके सर बोल लाँगे तो फिर उस तो बाद मैं पुआधी भी सीखी मैं आँदी नहीं सी एक सीन च मैं सर को इमोशनली हो गई सी कि सर तुम कि सोहना सीन लिखा प्रेम सर ने तो बट मेरे तो हो नहीं पा रहा है ना तो उन्होंने कहा हो तो रहा बट वो मेरी हर चीज़ में बहुत कामली हैंडल करते उन्हें मेरे अंदर दे जो भी इमोशन सीगे जो भी मेरा इमोशनल सेंस सी रिलेटेड टू दी कैरेक्टर उन्हों अच्छी तरह स्क्रीन पर लिया बहुत हेल्प किया। एक शॉट है वो ट्रेलर च भी हैगा आई थिंक चप्पड़ चिड़ी च जिथे असी चारों खड़िया होनी है शरण मैं अमायरा ते नेहा ते उस दिन ना पैकअप छेती होना सी बट असी लेट हो गए सी ते एकदम धुप निकली हुई सी एकदम तो वो चप्पड़ चिड़ी बिकॉज चप्पड़ चिड़ी होली प्लेस है राइट ते उत्थे एकदम तो ऐदा बदल आ गए ठीक है बदल गरजन लग गए तो थोड़ा बारिश का मौसम हो गया तो उ चीज़ चाहिए सी जो आप दर्शा भी रहे थे उस सीन च उस मूड चाहिए सी जो असी सारे ने बाकी तुसी देखियो फिल्म की बोलिया जो लाइन बोलियाँ उस तो बाद जो कट हो असी चारों थोड़ी देर लिए चुप कर लिया फिर असी चारा ने एक दूजे ने कहा इन्नी पार फील हुई ना बिकॉज असी चप्पड़ चिड़ी के सामने खड़े होकर वो डायलॉग बोलिया तो बहुत ज़्यादा सुकून मिले दिल में तो अज भी मैं वो बारे सोचती हूँ तो मैं गूज़बम्स आ जाते हैं। उन्होंने लोगों को की कहना चाहते हो जो कुड़ियों सिर्फ ये सोचते कि घर रह सकते हैं घर का काम करनगियाँ या इन्हों तो कुछ नहीं होना या बराबर ही नहीं कर सकदियाँ मैम उन्होंने तो की कहना मैं तो इदा दे मैं कि आप सारे इदा के लोगों गल नहीं करना चाहवागी जो इदा डिफरेंशिएट करते हैं इन्हों चीज़ों बट आई थिंक कुड़ियाँ मुंडिया सारे ही सीखना चाहिए कि जीन का हक तो सारे है ना आप क्यों पिंजरे च बंद होकर रहीए जिमें जिन्हों जिस ढंग जीना पसंद है उन्होंने जीन देना चाहिए तो उस बंदे भी या उस कुड़ी भी सीखना चाहिए कि यस मैं तो इदा ही जीऊँगी तो अपने डिसीजनस से स्टक रहन तो बस उन्होंने आप नू पता होना चाहिए अंदरों की वो लाइफ की कर रहे फिर उन्होंने कोई ताकत हरा नहीं सकती। मैं लगता है एक्टर एक्ट्रेस स्टार से कुछ नहीं होंगे आप स्टार भी कहने कलाकार होंगे अपने अपने रूट्स याद रखने चाहिए आप एक्टिंग फील्ड स्टेप इन किमें किया एज अ कलाकार नॉट एज अ स्टार नॉट एज एन एक्टर और एक्ट्रेस तो जो अपना सिनेमा उमें देख रहे अपनी ऑडियंस भी इन्नी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है इन्नी ज़्यादा लविंग है कि वो उदा की फिल्म एक्सैप्ट कर रही है कि देख तो देख रही है कि ये कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं अपनी सुसाइटल प्रॉब्लम्स नू तो इस करके हौली हौली ये सब भेदभाव निकलते जाएंगे। सत श्री अकाल जी पंजाबी ग्रुप देख रहे हो मैं हाँ दीक्षा ठाकुर उम्मीद करती हाँ सारे जने ठीक ठाक होवोगे। फिल्म चिड़िया दा चंबा दे ट्रेलर लॉन्च ते पहुँचे हाँ तो महनाज मान साढ़े नाल मौजूद है जिन्हां ते सारे नूं बहुत नाज़ है बहुत छोटी उम्र दे विच इंडस्ट्री च कदम रखिया बहुत काम किया बहुत पसंद किया तो अज गलबात करते हैं बहुत सोहना कॉन्सैप्ट लैके सारे दे सामने रूबरू होने जा रही है। सत श्री अकाल जी मैं ठीक हाँ तुसीं किवें हो बहुत वधिया इंडिया ड्रामेबाज के फाइनलिस्ट है ना बने सी तो उस तो लैके हुण तक दा जिहड़ा तुहाडा सफर है बहुत इंट्रस्टिंग रहा ना बहुत काम किया तो फाइनली एक इदा की मूवी दे विच तुसी नज़र आने वाले हो जिते बहुत वड्डे वड्डे आर्टिस्ट ने ते ओ सफर नूं हुण किद्दां देखते हो अपने मैं इदा लगता है कि तुसी क्या मैं बहुत काम किया बट हजे भी मैं उन्ना काम नहीं किया जिन्ना मेरे नाल दिया ने किया तो उन्होंने मैं बहुत सारी चीज़ें सीखने लिए मिली नंबर वन टू स्टे ग्राउंडेड उस तो अलावा वो जिन्नी पैशनेटली काम करते हैं दिन रात डायरेक्टर तो लैके शरण नेहा ओ निघे माहौल मैं काम करके बहुत मज़ा आया जी जी मैं सुन रही थी तुसी किसी होर चैनल ना गलबात कर सी 8 साल की उम्र तो है ना काम करना शुरू कर दिता इन्नी छोटी उम्र के इन्ना पैशन अपने काम नू लैके एक्टिंग नू लैके कैमराज नू फेस करन दा जिहड़ा फोबिया हुंदा वो नहीं होना ये सब कुछ किदा आया मेरी मम्मा थिएटर करते होंगे सी तो मैं उन्होंने जाती सी रिहर्सल्स से तो उतों ही करते करते मैं इंट्रस्ट पै गया तो फिर मैं एक ऑडिशन दिता सी रियलिटी शो का तो आई थिंक इस चीज़ लिए शुरू शुरू च फोबिया सीगा जिवें तुसी क्या कैमरा वगैरह लिए बट जो उस रियलिटी शो ने सब कुछ दूर करता बिकॉज उतों के जो मेंटर्स सीगे वो NSD तो पास आउट सीगे तो उन्होंने सारे ने मैनू मेरे अंदर दी जो
जो पैशन है फॉर दिस फील्ड उन्हें उभारन च हेल्प किया। तो इन्ना सोहना कॉन्सैप्ट है, वूमन ओरिएंटेड मूवी है, चार कुड़ियों की कहानी है, जिन्होंने बहुत स्ट्रोंगली रिप्रजेंट किया गया। ट्रेलर देख के नहीं लगा कि वह करैक्टर ज़्यादा है या वह करैक्टर ज़्यादा, इक्वली सारियां असी स्क्रीन पर देखा है। तो इन्ने वे आर्टिस्ट के नाल काम करना, स्क्रीन शेयर करनी, अमायरा के नाल काम करना, नेहा के नाल काम करना, वो एक्सपीरियंस किहो जिहा सी? कभी फील होया कि हाए मैं कर पाऊँगी या नर्वसनैस उन्होंने अगे लगी? मैं तो पहले तो ना जो भी शूट पर जाती सी मैं पहले पाठ करके जाती सी सवेरे वाहगुरु जी इदा करती रहती सी, बिकॉज वो सारे बहुत मंजे हुए कलाकार है उन्हों का, मतलब वो कोई भी कैरेक्टर बहुत वधिया तरीके निभा लेंगे। जो मैं मेरे कैरेक्टर बारे दसया गया सी तो मैनू सर ने कहा पुआधी बोलनी है ना, तो मैं लग्या ओके सर बोल लाँगे। तो फिर उस तो बाद मैं पुआधी भी सीखी, मैं आती नहीं सी। तो उस तो अलावा जो कैरेक्टर सीगा वो तां मेरे, मतलब मेरी जनरल नेचर तो भी थोड़ा मिलता जुलता सीगा, बट वो फड़न किते किते मैनू हाँ एक दो सीन्स डाउट होया सी। मैं बाकियां नू भी दस्या कि एक सीन च मैं सर को इमोशनली हो गई सी कि सर तुसी किन्ना सोहना सीन लिखा है प्रेम सर ने, ते बट मेरे तो हो नहीं पा रहा है ना। तो उन्होंने कहा हो तो रहा, बट वो मेरी हर चीज़ नू बहुत कामली हैंडल करते सी। तो उन्हें मेरे अंदर दे जो भी इमोशन सीगे, जो भी मेरा इमोशनल सेंस सी रिलेटेड टू द कैरेक्टर, उन्हें अच्छी तरह स्क्रीन पर लियान लिए बहुत हेल्प किया। कोई हार्ट टचिंग सीन या मोमेंट रहा सैट पर जिन्हों अज भी याद करो तो इमोशनल हो जाओ? एक शॉट है वो ट्रेलर च भी हैगा आई थिंक चप्पड़ चिड़ी च, जिथे असी चारों खड़िया होनी है, शरण, मैं, अमायरा ते नेहा। ते उस दिन ना पैकअप छेती होना सी, बट असी लेट हो गए सी। ते एकदम धुप निकली हुई सी एकदम, तो वो चप्पड़ चिड़ी, बिकॉज चप्पड़ चिड़ी होली प्लेस है राइट, ते उत्थे एकदम तो ऐदा बदल आ गए, ठीक है, बदल गरजन लग गए, तो थोड़ा बारिश का मौसम हो गया। तो उ चीज़ चाहिए सी जो आप दर्शा भी रहे सी उस सीन च, उस ही मूड चाहिए सी। जो असी सारे ने बाकी तुसी देखियो फिल्म की बोलिया, जो लाइना बोलियाँ, उस तो बाद जो कट हो असी चारों थोड़ी देर लिए चुप कर लिया। फिर असी चारा ने एक दूजे को क्या इन्नी पार फील हुई ना, बिकॉज असी चप्पड़ चिड़ी के सामने खड़े होकर वो डायलॉग बोलिया सी, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिले दिल में। तो अज भी मैं वो बारे सोचती हूँ तो मैं गूज़बम्स आ जाते हैं। वो सब तो ज़्यादा दिल तो करीब है मेरे, तो हमेशा होगा जी। तो आम श्योर जिदा आप ट्रेलर से देखा जिन्ना पावरफुल परफॉर्मेंस से सारे की बहुत सोहनी सी। उन्होंने लोगों को कहना चाहते हो जो कुड़िया सिर्फ ये सोचते कि घर रह सकते हैं, घर का काम करनगियाँ, या इन्हों तो कुछ नहीं होना, या बराबर ही नहीं कर सकदियाँ? मैम उन्होंने तो की कहना, मैं तो इदा दे मैं कि आप सारे इदा के लोगों गल नहीं करना चाहवागी जो इदा डिफरेंशिएट करते हैं इन चीज़ों, बट आई थिंक कुड़िया मुंडिया सारे ही ये सीखना चाहिए कि जीन का हक तो सारे है ना, आप क्यों पिंजरे बंद होकर रहीए? जिमें जिन्हों जिस ढंग जीना पसंद है उन्होंने जीन देना चाहिए, तो उस बंदे भी या उस कुड़ी भी सीखना चाहिए कि यस मैं तो इदा ही जीऊँगी, तो अपने डिसीजनस से स्टक रहन, तो बस उन्होंने आप पता होना चाहिए अंदरों की वो लाइफ की कर रहे, फिर उन्होंने कोई ताकत हरा नहीं सकती। इतने एक लाइन लिखी हुई दवा खाना वाली, वह सीन हैगा बस के उत्ते मूवी की चीज़ रिलेट कर रही है? ये तो मैटाडोर है, ये साड़ी फिल्म की मतलब बहुत ज़्यादा ही जिवें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। असी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस की हैं शूट करते दौरान, हमेशा खराब हो जाती सी जो भी असं शूट करना हों, बाकी मैं ये बारे हजे नहीं बोलती क्योंकि हाँ ये सस्पेंस है, क्योंकि ट्रेलर च थोड़ी थोड़ी दिखाई है, हम तुसी देखो फिल्म च फिर तुहानू समझ आऊगी जी। तो अपनी इंडस्ट्री के वूमेन ओरिएंटेड मूवीज़ बहुत बन रही हैं, है ना, कली चोटा तो लैके हूँ तक, कल एक अज बूहे बारियां भी रिलीज़ हुई है, मगर अपना सिनेमा किन्ना बदल रहा है इस तो ये पता लग रहा है कि ऑडियंस किन्नी सयानी हो रही है। जरूरी नहीं कि अगर मेल एक्टर है तो उन्होंने इंपॉर्टेंस देनी है, एक्टर या एक्ट्रेस का मैं लगता है वर्ड्स ना खत्म हो रही जा रहे हौली हौली, करैक्टर से ज़्यादा काम किया जा रहा है, तो तुम इस चीज़ को किदा देखते हो? मैम मैनू लगता जिम्मे ये लाइन कही ना एक्टर एक्ट्रेसिस खत्म हो रहे हैं, कि सही गल है, मैंने लगता है एक्टर एक्ट्रेसिस स्टार्स ही कुछ नहीं होंगे, आप स्टार भी कहने कलाकार होंगे, आपू अपने रूट्स याद रखने चाहिए, आप एक्टिंग फील्ड स्टेप इन किमें एज अ कलाकार, नॉट एज अ स्टार, नॉट एज एन एक्टर और एक्ट्रेस। तो जो अपना सिनेमा उमें देख रहे अपनी ऑडियंस भी इन्नी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है, इन्नी ज़्यादा लविंग है कि वो
ਉਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਈਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਭ ਭੇਦਭਾਵ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿੜੀ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਫ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਊਟ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਗਰਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਹੈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਜੇ ਆਡੀਅੰਸ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਦੇਖੇਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਫੈਮਲੀਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਲਮਸ, ਥੀਏਟਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੋਪਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰ, ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਸਰ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਐਕਟਰਸਿਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਖਰੋੜ ਫਿਲਮਸ ਅਤੇ ਅਭਿਦੇਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਉਂਗੇ, ਅਤੇ ਸੀ ਯੂ ਨਾ ਇਨ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਔਨ 13th October। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।